शिमला में मंगलवार को जो ब्लास्ट हुआ है उसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। ब्लास्ट इतना दमदार था कि जोर का धमाका हुआ। हिमाचल के शिमला में आप जो यह सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुछ समय बाद आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है और लोग जान बचाते हुए इधर उधर भागते हुए नजर भी जरूर आए हैं। ब्लास्ट इतना दमदार था कि यहाँ लोगों में खलबली मच गई। रेस्टोरेंट है, उसमें गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ, एलपीजी गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था। और उसमें जो है वो कुल 14 लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें 30 लोग इंजर्ड हुए और एक व्यक्ति की डेथ हुई। जो हमारे पास उसमें एविडेंस आई, उसमें यही आया कि ये इंसिडेंट जो है वो गैस लीक होने की वजह से हुआ है, क्योंकि जो किचन है, जो रेस्टोरेंट है वहाँ हिमाचल दोस्तों, इसका बड़ा कॉम्पैक्ट सा नैरो सा किचन है। और कल उनका जो इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला है कि उनका एक मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा था, उस मेंटेनेंस वर्क की वजह से जो था उन्होंने उसको शट डाउन करके रखा था और 2-3 घंटे तक जो था उसमें लगातार गैस जो रिसाव होता रहा। और बाद में जो वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी और जो इंजर्ड भी हैं उनका भी ये स्टेटमेंट है कि सडनली जो था वो जो लीक गैस थी उसमें जो है वो एक्सप्लोजन उसमें हुआ, उसने कैच कर लिया फायर को। और हमारी फॉरेंसिक टीम ने भी यही हमको प्राइमरली अपना ओपिनियन दिया है। ये इंसिडेंट जो है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी लेसन गिविंग आल्सो। हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। और की स्थिति अभी ये है कि 8 लोग जो है कुल घायल जो है उनमें से 8 लोग जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं, 5 जो है अभी हॉस्पिटल में है, और जो उसमें से 3 लोग जो हैं वो थोड़े सीरियस हैं, उनका उपचार चल रहा है और आई होप कि सारे के सारे जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये हमारा जो प्रॉम्प्ट हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया उसकी वजह से जो सब लोग टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सारे के साथ सोशल हॉस्पिटल से स्वस्थ। शिमला पुलिस ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का मुआयना किया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। पुलिस का कहना है कि एसआईटी का गठन हो चुका है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौके पर हिमाचल के डीजीपी भी पहुंच चुके हैं। आप देख ही रहे, पेरीमीटर लगा रखा है इन्होंने ताकि कोई सेकेंडरी ब्लास्ट में, या आप देखें कि जो छत है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई, आगे पीछे भी काफी डैमेजेस हुए हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आई है। किसी भी जांच में जब तक फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एविडेंस तो यही आया, लेकिन जब तक अल्टीमेट रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हम कोई भी एंगल बंद नहीं करते। शिमला पुलिस के मुताबिक यह ब्लास्ट गैस लीकेज होने की वजह से हुआ था। अब एसआईटी इस विषय पर बारीकी से जांच करते हुए आगे बढ़ रही है। हर पहलू से जुड़े हुए तथ्य को एकत्रित किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा ना हो। यह ब्लास्ट गैस रिसाव की वजह से हुआ और इसमें काफी व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 3 व्यक्तियों का इलाज अभी भी चल रहा है और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। अब स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है तो बड़े स्तर पर एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजेश खत्री, शिमला, हिमाचल।